तो क्लास 10th और 11th और 12th के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जब पहला फार्मूला एरिया, एरिया का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ है। उसके बाद फार्मूला नंबर सेकंड, वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो लेंथ ब्रीथ हाइट है। तो वॉल्यूम के बाद आता है फार्मूला नंबर थर्ड, स्पीड और वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आपको डायमेंशन नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके डायमेंशन का नोट कर लीजिएगा, या यूनिट को भी, हमने यूनिट भी लिख चुके हैं तो आप यूनिट को भी राइट डाउन कर सकते हैं। डेंसिटी मास अपॉन वैल्यूम है। और फिफ्थ फार्मूला है एक्सेलरेशन का, होता है फार्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिक्स है मोमेंट, मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी। सेवन फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एट प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया फार्मूला। नाइन्थ वर्क का होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। टेंथ एनर्जी का होता है वर्क। इलेवेंथ पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम। ट्वेल्थ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस का होल स्क्वायर अपॉन मास का होल स्क्वायर। थर्टीन इंपल्स का होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम। फोर्टीन सरफेस टेंशन का होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फिफ्टीन कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी वेलोसिटी का होता है फोर्स अपॉन एरिया गुणे वेलोसिटी। 16 एंगल का आर्क पर रेडियस होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि डायमेंशन लेस होता है। 17 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। 18 एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाई एंगुलर वेलोसिटी होता है। 19 टर्की और कपल इसको बोल सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर फार्मूला होता है इसका फिजिकल क्वालिटी। 20 फ्रीक्वेंसी का वन अपॉन सेकेंड होता है। आप डायमेंशन को नोट कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।